श्रीकाल सारों जी, मैं गुरप्रीत। तो अज की वीडियो जी थोड़े वास्ते लैके आए हैं, ये गल कर जा रहे हैं जी न्यूजीलैंड का, क्योंकि न्यूजीलैंड का बहुत ही बुरा हाल इस टाइम हो चुक है। जिद सब तो पहला मैं गल कर जा रहा जी पंजाब बारे, पंजाब प्रोफाइल्स ने काफ़ी उन्हों का माड़ा सक्सैस रेट निकल के आ रहा है इस टाइम। हालांकि जिन्हों के कुछ जोड़े है प्रोफाइल वधिया ने स्ट्रोंोंग ने उन्होंने वीज़े लग रहे हैं, सो पर माड़ी प्रोफाइल जे मैं कहूँगा किसी का फ्रैश पासपोर्ट है जां घट ट्रैवल हिस्ट्री है जां ट्रैवल हिस्ट्री नहीं हैगी तो वह बंदे जिहड़ा हैगा न्यूजीलैंड अप्लाई करन तो ग्रेज करे, क्योंकि इस टाइम जो है थोड़ा जिहा सक्सैस रेट वधिया नहीं चल रहा न्यूजीलैंड का, काफ़ी माड़ा सक्सैस रेट चल रहा है। मैं जे परसेंटेज के हिसाब न गल करा तो मैं कहूँगा कि 99% जिहड़ा न्यूजीलैंड का सक्सैस रेट इस टाइम माड़ा चल रहा, खराब चल रहा पंजाब के लिए। हालांकि जिमें गल करा दूसरिया स्टेटा की, जिमें कि राजस्थान हो गया, यूपी होगी, ज कोई उत्तराखंड साइड, हिमाचल साइड, तो इन्हों का जो सक्सैस रेट हजे काफ़ी ठीक चल रहा है, वधिया चल रहा है, इन्हों के वीज़े निकल रहे हैं। पर जो पंजाब के प्रोफाइल ने उन्हों के वीज़ियां जोड़ा है का काफ़ी दिक्कत का सामना करना पै सकता है। सो मैं ये गल करूँगा कि जो मैं वीडियो बना रहा इस करके बना रहा कि तुम जोड़ा है किसी भी बंद कन्नियो ठगे ना जाओ, जिहड़ा तुहानूं कह देगा कि इस टाइम पंजाब दी प्रोफाइल ते तुहानूं 100% वीज़ा लैके दे देगा न्यूजीलैंड का, जिहड़ा कि पॉसीबल नहीं है। मैं खुद जिहड़े हैगा फेस कर चुके हैं ये चीज़ां के मेरे कुछ क्लाइंट्स जिन्हां दीआं रिजैक्शनस आईआं आ, रिजैक्शन जो है मेन कारण दिंदे हैगे न्यूजीलैंड वाले वो सिर्फ यही है फैमिली टाइज ते फाइनैंशियल टाइज जिहड़ी हैगी रिजैक्शन दा मेन कारण दिंदे, अनलैस तुसीं ये चीज़ां प्रूव कर सकदे उहनां नूं, क्योंकि मैं एक दो क्लाइंट जिन्हों का रीअप्लाई किया रिफ्यूजल तो बाद उन्होंने वीज़े सानू मिले भी है, कोई ये डाउट नहीं है, पर यह है कि अनलैस थोड़े को प्रोफाइल बहुत वधिया है तो तुम अप्लाई करना वीज़ा। इस तो अलावा जेकर तुम किसी होर स्टेट पर हो तो तुम वीज़ा अपना अप्लाई कर सकते हो, वधिया जिहड़ा जो सक्सैस रेट लै सकते हो, अपना जिहड़ा घूमन फिरन का सुपना पूरा कर सकते हो न्यूजीलैंड का। हालांकि ये चीज़ा सूँ कोई भी एजेंट या कोई भी बंदा जो फाइलिंग का काम करता चाहे कोई यूट्यूब पर सूँ ये चीज़ा नहीं दसूगा, क्योंकि हर एक बंद का एक बिजनेस हों, एक धंधा हों, उन्होंने पैसे कमाने होंगे, बट मैं भी ये काम करता है, सो नाल नाल मैं बट प्रोपर गाइड करने की कोशिश करता हूँ कि इस चीज़ तो बचा जा सकता है। अगर तुम खुद भी इन्ने कैपेबल है कि तुम वीज़ा अप्लाई कर सकते हो तो जिहड़ा हैगा इमीग्रेशन की फीस का रिस्क लै सकते हो, जो कि तकरीबन 12-13 हज़ार रुपया थोड़ा लगता है, बाकी डॉलर के अकॉर्डिंग यह अप टू 15 हज़ार तक चल जाती है। इस तो अलावा जेकर तुम थर्ड परसन के थ्रू वीज़ा अप्लाई करते हो तो थोड़े तो वही फीस तो लगनी लगनी है, प्लस थोड़ी कंसल्टेंसी फीस जो कि किसी की 50 हज़ार है, किसी की 1 लाख है, कोई 5 लाख लै रहा है। सो मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही सी कि बहुत ज़्यादा पैसा वेस्ट जो न्यूजीलैंड के नाम से हो रहा है, पहला भी काफ़ी लोगों ने इस पैसे स्पेंड किए या लाए है वीज़े लैन के मारिया ने, क्योंकि आपूँ तकरीबन सारियां इस चीज़ की नॉलेज होनी है, ध्यान च होनी है गल कि न्यूजीलैंड जो जा रहे थे उन्होंने एयरपोर्ट तो ही वापस मोड़ दिता जाता, डिपोर्ट कर दिता जाता, किसी दिल्ली एयरपोर्ट तो, किसी दुबई तो, या कई सिंगापुर मलेशिया वगैरह या होर किसी एयरपोर्ट तो जोड़ा मोड़ दिता जाता। सो वो भी गल के सच है, क्योंकि जो आपां अपने जो वीज़ा अप्रूव होने तो बाद ट्रैवल प्लान नहीं पता होंदा तो आपां कितना कितने इस चीज़ का भी सामना करना पैंदा कि आपां जदों भी तुसीं किसी तो अपना वीज़ा अप्लाई करते हो तो उहदे तो अपना ट्रैवल प्लान जरूर लो, तां कि तुहानूं पता होवे तुहाडी फाइल दे विच की कुछ लगाया गया सी ते किस तरह का तुहाडा ट्रैवल प्लान जिहड़ा उस बंदे ने प्रजेंट किया दिखाया इमीग्रेशन नूं, तां तुसीं बाकी मैं कहूँगा कि तुसीं उस ट्रैवल प्लान दे उत्ते जिहड़ा स्टिक रहना चिपके रहना जो उन्होंने बना के दिता वो अकॉर्डिंग ही तुसीं जिहड़ी ट्रैवल करनी है तो तुसीं ये जिहड़ी चीज़ नूं फेस नहीं करोगे। सो इस तो अलावा मैं गल कर रहा सी अज्ज दे रिफ्यूजलां दी, जो रिजैक्शन रेट चल रहा है 99% पंजाब दा, अगर थोड़े कोल बहुत वधिया ट्रैवल हिस्टरी हैगी किसी चंगी कंट्री यूके US कैनेडा वगैरह ज आस्ट्रेलिया वगैरह तुसीं घूमे फिरे हो, शेंगन जोन दे थोड़े कोल वीज़े हैगे आ, तां ही तुसीं न्यूजीलैंड दा वीज़ा जिहड़ा अप्लाई कर लो तो जो सक्सैस रेट 100% इतने मिलेगा, बट बाकी केसों के जो 100% नहीं मिलेगा। सो इन्नी क मैं अज जी वीडियो थोड़े वास्ते अपडेट लैके आया से, तो आने वाले समय के होर वक्रिया डिफरेंट कंट्री बारे जी गल करा, तो चैनल के नवे हो तो सबसक्राइब कर लियो, नाल ही शेयर करो। धन्यवाद जी, सत श्री अकाल।